बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर शेखर सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित की गई। इस दौरान शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कोई सामान्य से अलग बताया। शेखर सुमन ने कहा, बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं बल्कि गैंगिज्म है। बॉलीवुड में ये काफी सक्रिय है जो गैंग के तरीके से काम करता है। आगे शेखर सुमन ने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। इंडस्ट्री में एक बिहारी होने के नाते हमेशा ये होता है कि जब एक बिहारी अकेला पड़ जाता है उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। मुझे ऐसा लगा ये आवाज उठानी चाहिए और हिंदुस्तान किया है। कुछ दिन पहले वो बिहार भी आए थे, खड़िया भी आए थे, और जो भी एविडेंस है, चाहे फिंगरप्रिंट की बात हो या हैंगिंग की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, बात रॉक की गले के माप की बात हो, एक दिन पहले पार्टी करना, फिर जूस पीना, सुबह तक चला, आवाज़ें जो है पड़ोसी तक सुन रहे थे, ये जो है वहाँ के लोगों का कहना है। और जितने भी नौजवान हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी हो जो उनके फैंस हैं, दे वॉन्ट जस्टिस। बस हम लोग चाहते हैं, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति। उनके परिवार के लोगों से हमारी भी बात हुई। वो नीरज बबलू जी बिहार में विधायक भी हैं, उनके कजन भी हैं, उनसे भी पूछा कि भाई आप जैसा मदद चाहिएगा हम वैसा करेंगे, जो अगर आपकी मांग है। तो हमने पूछा भाई सीबीआई वगैरह का मांग वगैरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो कहे कि हम लोग मांग करेंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि एक फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन अगर बेहतर और उच्च स्तरीय जांच होती है, अगर न्याय मिलता है और कारण का पता चलता है, तो इसमें बुराई किस बात की। जो भी बातें कही जा रही हैं, हर एंगल जांच का हर एक एंगल से होगा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा कोई सुशांत सिंह राजपूत के घटना ऐसी जो हुई है वो दोबारा घटना ना हो। और हम बिहारी होने के नाते कहते हैं कि बिहारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हमारा बैकग्राउंड आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बिहार का लोग आगे जाता है। वो हम नहीं कहते, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब हम लोगों का यही मांग है, इन्होंने समय लिया था, देना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, कोविड-19 का जो भी जिक्र किया उसकी वजह से नहीं दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही नॉट जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, ही द लीडर ऑफ द बिहार। और जब बिहार का आइकॉन, देश का आइकॉन मैं कहता हूँ सुशांत सिंह के, अगर कोई आइकॉन इतना बड़ा नाम, इतना स्ट्रगल करके अगर इस तरह की घटना हुई है उसके साथ, तो बिहार का नेता को, बिहार के मुख्यमंत्री को कम से कम संवेदना और प्रकट के परिजनों से मिलकर के उनका सहारा बनना चाहिए। अभी भी हमने आपको देखा होगा कि हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। एक तो हमारा मांग है कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, एक ये है। दूसरा हमारा जो मांग है, जो चिट्ठी हम लोगों ने लिखी है, कि राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रहा है, क्योंकि उनका जिस प्रकार से स्ट्रगल करके एक छोटे से शहर का होकर के एक अपना नाम हर एक मैदान पे जाना, सफल होना, तो हमको लगता है कि उनके याद में जो फिल्म सिटी राजगीर में बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे नामकरण किया है। और दिले इच्छा हमारी ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों से जाकर के मिले और ये आश्वासन दे कि हर जांच में हर संभव मदद जो है वो करेंगे, वो महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि इसका सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन उनके परिवार को दे कि जो राजगीर में फिल्म सिटी जो बन रहा है उसका नामकरण सुशांत सिंह राजपूत। सर शत्रुघ्न सिन्हा चुप है, शत्रुघ्न सिन्हा चुप है, शेखर जी बिहारी बाबू चुप हैं अभी तक इस मामले पे। जो चुप रहना चाहते हैं चुप रहे, जो आना चाहते हैं आए, ये मैं अपनी जनवादी बजूं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।